अबे देवरा के चक्कर में मैंने आज का एक शॉकिंग न्यूज नहीं देखा था। स्पिरिट मूवी का करीना कपूर को कंफर्म बताया जा रहा है कि स्पिरिट मूवी वो नजर आ रही है। और जहां तक सैफ अली खान की बात है, पता नहीं उनको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन करीना कपूर स्पिरिट मूवी में हो रही है, लीड एक्ट्रेस के किरदार में, मतलब प्रभास के ऑपोजिट, या फिर कोई विलेन किरदार है, या फिर कोई क्रुशल किरदार है, जैसे अभी कौन सी फिल्म है, टॉक्सिक, टॉक्सिक मूवी में जैसे बहन, बड़ी बहन वाली किरदार, एक क्रुशल किरदार को लिया जा रहा है। जैसे KGF में रमिका सेन का एक किरदार था, एक फीमेल लीड का जो फिल्म की कहानी को घुमाती है, कुछ ऐसा किरदार है, पता नहीं किस तरह का किरदार है क्या है, पर करीना कपूर स्पिरिट मूवी में नजर आ रही है, इसको अभी कंफर्म बताया जा रहा है। देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें अपडेट मिलती है, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, कई सारे सोशल मीडिया, कई सारे वेबसाइट वगैरह, कई सारी जगह पे, ओके, बड़ी बड़ी पेजेस में, हर जगह पे क्या होता है कि हो सकती है, ये होने की चांसेस है, रूमर्स ये है, बच ये है, ओके, संदीप रेड्डी वांगा बात कर रहे हैं, शायद बात बन जाएगा, इस तरह की अपडेट आती है। और उसमें अपडेट नहीं नजर आती है, उसमें एक बच नजर आती है कि हाँ इस तरह का डिस्कशन हो रहा है, आगे चल करके होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे लिखा जा रहा है कि कंफर्म, कंफर्म, जैसे स्पिरिट मूवी में डार्लिंग प्रभास कंफर्म है कि स्पिरिट मूवी के हीरो डार्लिंग प्रभास ही हैं, ठीक उसी तरह करीना कपूर इस फिल्म में होगी, किस तरह का किरदार पता नहीं। यार मतलब पहले से जो अपडेट आ रही थी वो सही थी, और करीना कपूर बीच में हम सभी को घुमा दी है, और अभी वो कंफर्म हो चुकी है। और वो जो अपडेट आया था पिंगमिल्ला की तरफ से कि करीना कपूर किसी बड़ी फिल्म में जुड़ रही है, एक ऐसी फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डेफिनेटली जबरदस्त होगा, जो फिल्म डेफिनेटली सक्सेस होगा, एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म, एक ऐसा डायरेक्टर जो कि एकदम से भरोसेमंद है, 2025 में फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होगा, 2026 तक हमें वो फिल्म देखने को मिलेगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस वाला जो एक आर्टिकल हमें देखने को मिला था करीना कपूर के नाम पे, वो स्पिरिट ही था। मतलब हम जो गैस कर रहे थे, जिस तरह का जो वीडियो बनाए थे, शायद ये स्पिरिट हो सकता है, स्पिरिट की ही बात हो रही है, मतलब वो सच था। देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन गाइस मैं तो दिली ख्वाहिश करूंगा, मैं मतलब लीड एक्ट्रेस के हिसाब से करीना कपूर ना आए तो सही होगा, मैं भी यार मतलब वो जोड़ी मुझे अच्छा लगेगा जैसा नहीं लग रहा है। आप लोग जो भी कमेंट करो, मुझे गालियां वालियां देना है तो दे दो, या फिर कोई भी हंसने वाला इमोजी छोड़ोगे तो छोड़ दो। ओके, लेकिन एक होता है ना अपना ख्वाहिश जो एक होता है, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है, पर हो भी सकता है। अभी मेरे दिमाग में सडनली स्विच कर रहा है एक बात कि इस फिल्म की कहानी जो है ना बाप बेटी की है, बाप बेटी की है, कि हीरो जो है एक बच्ची की पिता है, और बाप बेटी की इमोशन को ज्यादातर दिखाया जाएगा, मतलब एक माँ को दिखाया जाएगा। जैसे हमें कौन सा फिल्म देखने को मिला था, लियो, लियो, लियो मूवी में जैसे त्रिशा कृष्णन मैम को इसलिए लिया गया था क्योंकि उसमें थलापति विजय सर को ज्यादातर, मतलब उनका जो ओल्ड एज में दिखाया गया था, जहाँ पे वो पिता के किरदार में थे, दो बच्चे थे उनके, है ना, तो वैसा वाला किरदार डार्लिंग प्रभास का होगा, पता नहीं यार। इतनी सारी चीजों के ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि जो अपडेट आया है वो मैं बोल दिया बस, लेकिन ये बात एकदम से कंफर्म बताया जा रहा है कि करीना कपूर इस फिल्म में नजर आ रही है। ओके, इसमें कौन सी किरदार है, कैसा किरदार है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव किरदार है तो बंदी खा जाएगी भाई। ओके, कमाल का काम करेगी वो। मैं देखा हूं यार फिदा मूवी, ओके, मतलब फिदा मूवी में क्या है, मासूमियत से एक मासूम लड़की, वैसा वाला किरदार करके शाहिद कपूर को जिस तरह से घुमाती है ना वो फिल्म में, वो भी फिल्म में, फिल्म इंडस्ट्री में वो नई नई आ करके, और अभी तो बंदी हर तरफ से एक्सपीरियंस ले चुकी होगी ना। ओके, फिल्म में कि क्या कैसा करना है, एकदम से प्लेग्राउंड की तरह हो चुका है इंडस्ट्री अभी, मतलब ये कैमरा के सामने आना, तो अभी अगर विलन के किरदार में वो नजर आती है तो बहुत ही कमाल का होगा ये। देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे हम स्पिरिट मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, स्पेशली संदीप रेड्डी वांगा, डार्लिंग प्रभास की कॉम्बिनेशन के लिए, और डार्लिंग प्रभास के एंग्री कॉप वाले किरदार के लिए। ओके, काफी सारी चीजों के ऊपर खुलासा होगी 2024, मतलब इसी साल के आखिरी चरण तक, क्योंकि तब तक फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम जो है फिनिश हो जाएगा, और संदीप रेड्डी वांगा धीरे धीरे करके बाकी सारे अपडेट भी ऑफिशियल तरीके से देंगे, क्योंकि शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है 2025 के शुरुआती दिनों में। बोला जा रहा है कि जनवरी फरवरी तक स्टार्ट होगा, या फिर समर तक भी जा सकता है शूटिंग स्टार्ट होते होते,
ओके, क्योंकि डार्लिंग प्रवास फौजी मूवी का शूटिंग जब तक कंप्लीट नहीं करते वो स्पिरिट में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि लुक का प्रॉब्लम है और स्पिरिट मूवी में हमें एक गजब का यूनिक लुक में देखने को मिलेगा डार्लिंग प्रवास को। खैर, आप लोग कितना एक्साइटेड हो और करीना कपूर की ये कन्फर्म वाली न्यूज के साथ आप लोगों का क्या रिएक्शन है जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।